श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साथियों, श्री रामचरित्र मानस, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आज हम उसी के बारे में एक और चरित्र की व्याख्या करते हैं। उनके जन्म के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, उस चरित्र की एक विशेषता है कि इनके तीन पिता हुए, जो कि रामचरितमानस के विशेष मुख्य चरित्र के रूप में आए हैं। उनका नाम है श्री हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म शिवजी महाराज के रुद्र से हुआ, जिसका शिवजी महाराज जी का अंश एक पत्ते पे गिरने के कारण पवनदेव उनके दूसरे पिता हुए, जो उस पत्ते को ले जाके अंजनी माता के गर्भ में प्रवेश कराया और पिता बनने के कार्य को पूर्ण किया। रुद्रावतार हनुमान जी, इसीलिए हनुमान चालीसे में कहा जाता है शंकर सुवन। शंकर जी के दो संतान हैं, केसरी नंदन। केसरी इनके पिता हुए, जो अंजनी के पति थे। अंजनी पुत्र, अंजनी के ये पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अंजनी था। शिवजी महाराज के रुद्रावतार होने के कारण इनको तीसरे पिता के रूप में केसरी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो अंजनी के पति थे। और यही कारण है कि जो जो भी गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है वो पिता तुल्य होता है, पिता स्वरूप होता है, पिता ही होता है, कहलाया जाता है। और इनके जन्म के विषय में शिवजी महाराज के तेज को पवन ने धजा के अंजनी के गर्भ में प्रवेश का कारण बनाया, जिसके कारण पवन पुत्र भी कहलाए, पवन सुत भी कहलाए, शंकर सुवन भी कहलाए, केसरी नंदन भी कहलाए। और शिवजी महाराज के तेज के कारण, उनके तप और उनके बल के कारण समुद्र लांघने में सक्षम, गायन विद्या में निपुण, उच्च वार्तालाप करने के गुण को रखते हुए ये हनुमान जी का जो अवतार हुआ है, ये बड़ा ही विलक्षण और बड़ा ही विकट हुआ है। इसलिए हनुमान जी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि ऐसा कोई और अवतार, ऐसा कोई और प्राणी इस पूरी धरती पर नहीं है। यही कारण है कि हनुमान जी का जन्म संतों की सेवा और संतों ईश्वर अवतारों की सेवा के लिए हुआ है, जो कि एक बड़ा ही विकट जन्म है। और ये चिरजीवी हैं, ये चिरंजीवियों में आते हैं। इनके बारे में यही कहा जाता है कि संतों को जहां भी इनकी जरूरत पड़ती है, ये एकदम उपस्थित हो जाते हैं।
इसलिए इनको नमन है। और हम भी यही चाहते हैं कि हनुमान जी हमें भी श्री राम जी के चरणों में पहुंचाएं, उनके दर्शन कराएं और एक उच्च निर्माण हमारे जीवन का करके हमें भी मोक्ष की प्राप्ति कराएं। क्योंकि हनुमान जी पूरी सृष्टि में हर जगह आ जा सकते हैं, जबकि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम चरित्र हैं जो कि सब जगह आ जा सकते हैं। हनुमान जी को नमस्कार है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए राम राम। बोलो आलू ले लो, 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 आलू ले लो। मैंने जाके देखा और मैंने कहा तू धीरे दे, बेच तो जलेबी रहा है। आलू ले लो क्या हो गया? धीरे बोल, रहने दे, मक्खियां आ जाएंगी नहीं तो सुन के सारी की सारी।